लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की घोषणा के साथ ही सभी राज्य सरकारें एक्शन मोड में हैं। सभी विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सरकार की आगामी कार्य प्रणाली पर चर्चा की जा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसी क्रम में यूपी सरकार के सभी प्रमुख विभाग के सचिवों के साथ बैठक की है और कई अहम निर्देश जारी किए हैं। दरअसल सीएम योगी के आधिकारिक एक्स हैंडल से दी गई जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार जल्द ही राज्य में बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराएगी। सीएम योगी ने सरकार के सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव व मुख्य सचिवों के साथ समीक्षा बैठक कर ये निर्देश जारी किया है कि जिन विभागों में भी रिक्त पद पड़े हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से भर्ती निकाल कर भरा जाए। आगे कहा कि गन्ना पेराई करने वाले सभी शुगर मिल नए सत्र से पहले किसानों के बकाया धनराशि का भुगतान कर दे। दावा किया जा रहा है कि सीएम योगी की इस पहल के बाद राज्य के युवाओं को नौकरी मिल सकेगी। सीएम योगी ने प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए एक जिला एक मेडिकल कॉलेज मुहिम पर जोर देने के भी निर्देश दिए हैं और साथ ही सभी कार्यों की रिपोर्ट सीएम डैशबोर्ड पर जमा करने को कहा है। इसके अलावा अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें तो लोकसभा चुनाव खत्म होते ही बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में 45,000 पदों पर भर्तियों का ऐलान किया है। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,339 पदों पर भी भर्तियां होंगी। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक की जिसमें उन्होंने रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में लगभग 45,000 कर्मचारियों व अधिकारियों की भर्तियां होंगी। इन सभी रिक्त पदों पर 4 महीने के अंदर नियुक्तियां करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऐसे में बिहार में बहुत जल्द युवाओं के लिए 45,000 नौकरियां निकलने वाली हैं।